कक्षा 11 के बच्चों के लिए है, संस्कृत का पेपर देख रहे ना, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 पूर्णांक 100 पेपर कोड ए है। क्या है? ए है, देख रहे हैं, समय 3 घंटे, सेट 3 होगा, तीसरा पेपर संस्कृत का जा रहा है बिल्कुल। यदि आप वीडियो में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को इतना शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। देख रहे ना, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूरा इसको आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पूछ रहा है गद्यांशस्य लेखकस्य नाम लिखा दो, तो इसके लेखक कौन है? तो चंद्रपीठ कथा के लेखक कौन है? चंद्रपीठ कथा के महाकवि श्री बाण भट्ट, महाकवि श्री बाण भट्ट लिखेंगे, ठीक। अब इसमें दूसरा प्रश्न है, शूद्रकस्य राजधानी अस्ति, शूद्रकस्य राजधानी अगर आप यहाँ देखेंगे तो लिखा गया है विदिशा, क्या था? विदिशा था। फिर कह रहा है रिक्त स्थान पूर्यत, तस्य राजधान्य आसीत, उनकी राजधानी थी, तो यहाँ पर भी वही विदिशा भरना है बस। अकेल अकस्य पथात आगता अस्ति, तो चंडाला कन्यका, चल रहे चंडाल आगता, अचंडाल कन्या मतलब चंडाल रूपी कन्या आई थी उस रास्ते से। रेखांकित अंश का हिंदी में अनुवाद, तो पूरा का पूरा इसका अनुवाद देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आया, एक्टिक मैंने कर दिया है, इसका अर्थ से यहाँ से हिंदी में देख लीजिए, पूरा ऐसे लिखेंगे, यहाँ तक लिखना है, एक भी अक्षर नहीं छोड़ना है, देख रहे हैं, पूरा का पूरा इसे उतार देंगे, मैं पढ़ूंगा बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, फिर अपनी पाठ पुस्तक के आधार पर किसी एक पात्र का अधिकतम 100 अंकों में चरित्रण, कादम्बरी, महाश्वेता, सुख वैश्यपायन, तो मैंने यहाँ पर किसका किया है? कादम्बरी का, 15 पृष्ठ पर हमारी किताब में है, 15 पृष्ठ पर, बिल्कुल एक भी नहीं छोड़ना है, कादम्बरी का चरित्रण, देख रहे हैं ना, पूरा ऐसे लिखते चले आएंगे, यहाँ तक है, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा ये है, फिर से देख लीजिए, पूरा का पूरा, देख रहे हैं कादम्बरी का पूरा, कैमरा में आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। अब आपको तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा है बाण भट्ट का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। बाण भट्ट का 9 पृष्ठ किताब में है, बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, किसका लिखना है? बाण भट्ट का, महाकवि बाण भट्ट का जीवन परिचय, देख रहे हैं ना, पूरा ऐसे जीवन परिचय लिखते चले आएंगे, पूरा देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा। इनकी रचना क्या है? रचना कभी डालना है प्रकाश, तो रचना में कुछ लिख देंगे, ये है ना, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा, हर्षद, कादम्बरी, चंद्रपीठ कथा, पार्वती प्रणय, पूरा इसे लिखेंगे, ठीक है ना, और चरित्रण के बारे में इतना थोड़ा सा लिख देंगे, इसको भी पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा, छोड़ना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। पांचवा क्वेश्चन है, नहीं चौथा है, निम्नलिखित विकल्प दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। कादम्बरिया सखी अस्ति, तो सुकनासा, किसका लिखेंगे? सुकनास का। अधोलिखित श्लोकों में दूसरा है, वैश्यपायनस्य पितु नाम सुकनास, और कादम्बरी किसकी सखी थी? महाश्वेता। पहले का क का विकल्प सही होगा महाश्वेता, ख का होगा सुकनास, देख रहे ना। छठ पांचवा है, अधोलिखित श्लोक का किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या, पूरा 104 पृष्ठ पर है इसका, पहले वाला का तस्या अखुरन्यास, पूरा विस्मृत पढ़ के लिखेंगे, 114 पर है, देख रहे ना, पहला लाइन इसमें नहीं आया है, पहला लाइन यहाँ नहीं आया है, ध्यान देंगे, ये तस्या अखुरन्यासो है ना, देख रहे ना, करके पांसुलाम, देख रहे ना, ये इसका अर्थ है यहाँ से यहाँ तक, प्रसंग अन्वय संस्कृत में अर्थ है, अर्थ हिंदी व्याख्या पूरा संस्कृत, देख रहे ना, भावार्थ सब कुछ दिया गया है, देख रहे ना, पूरा इसे फिर से एक बार देख लीजिए, अन्वय अर्थ हिंदी व्याख्या संस्कृत व्याख्या, पूरा इसे लिखेंगे, जो जो आया है पूरा इसे छाप देंगे, नकल नहीं करना है, शेयर करना नहीं भूलेंगे, ये हो गया, देख रहे ना, श्लोक संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना है, संस्कृत नहीं करना है। छठवां आया है, श्लोक की संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या कीजिए, 7 अंक का है, 104 में है, यही अथ प्रजा अधिपता, देख रहे ना, तो ए आया है कौन, अथ प्रजा नाम अधिपति, इसका आया है, देख रहे, ए आया है, अथ प्रजा नाम अधिपति प्रभाते, देख रहे ना, ये छठवा का है, अथ प्रजा नाम अधिपति प्रभाते, पूरा दिखाई दे रहा होगा, इसका क्या करना है, पूरा संस्कृत में
अर्थ लिखना है, हिंदी व्याख्या है, संस्कृत अर्थ है, संस्कृत भावार्थ है, पूरा इसे लिख देंगे, संस्कृत भावार्थ पूरा आपको दिखाई दे रहा है। स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे, पूरा का पूरा हल आपको मिल रहा है, टाप देना, छाप देना है, अभी बहुत समय है, समझ, अगर जितना आप शेयर करेंगे उतना ही पेपर आपको मिलता रहेगा, समझ लीजिए, जितना शेयर करेंगे पूरे भारत के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, या चैनल और या वीडियो रामबाण है, समझ लीजिए, शेयर करना नहीं भूलेंगे, पूरा का पूरा शेयर करना है, बिल्कुल छाप देना है। एक कोर्ट का पेपर है, बहुत से बच्चों का डिमांड आ रहा था, समझ रहे हैं। अगला है महाकवि कालिदास की रचनाओं, महाकवि रचनाओं के नाम तथा कालिदास का जीवन परिचय 88 पृष्ठ पर है। ये देख रहे हैं महाकवि कालिदास का एक जीवन परिचय, संक्षिप्त परिचय देख लीजिए, पूरा छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपका, पूरा आपको आपकी किताब में हमको दिखाई दे रहा है पूरा। अगर आप किताब नहीं है तो बिल्कुल हमारे चैनल से आपका पूरा चल जाएगा, देख रहे हैं ना, काम पूरा का पूरा रट लेना है, याद कर लेना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, महाकवि कालिदास रचना हो गया, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प उच्चारण लिखिए, ऋषे धेनु का हसीत, ऋषि की गाय कौन थी, नंदिनी, राजा दिलीपा गो सेवाय कुत्र गता, तो आश्रमे नहीं बनम गता, देख रहे हैं ना। फिर है अधोलिखित खंडों के सी एक श्लोक की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, शेयर करना है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है। 144 पृष्ठ पर है, विचिंदंती यमन, देख रहे हैं ना, यमन अन्य मानुषाह, देख रहे हैं 144 पृष्ठ पर है, देख रहे हैं, यही आया है पहला, जो आया है पहला लाइन पंक्ति वो इसमें नहीं है, देख रहे हैं ना, यहाँ से है विचिंतयंती, ये विचिंतयंती दूसरा पंक्ति से पहले पर, इसका भावार्थ अन्वय श्लोक हिंदी में अर्थ देख रहे हैं, पूरा पूरा दिया गया है, हिंदी व्याख्या छोड़ेंगे नहीं एक भी, क्या लिखा गया इसमें देख रहे हैं पूरा, इस श्लोक के संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए, संदर्भ सहित अन्वय संदर्भ लिखेंगे, इसका पूरा हिंदी व्याख्या करेंगे, और इसके जो है रचयिता कौन है, कालिदास प्रथम अभिज्ञान शाकुंतलम के महाकालिदास, संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत के अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थों अंकों से लिया गया है, चतुर्थ अंक अभिज्ञान शाकुंतलम का है, और इसके रचयिता महाकवि कालिदास जी हैं, ठीक है, लिख करके पूरा अर्थ लिख देंगे, अनुवाद कर देंगे, बस पूरा पूरा नंबर आपका रखा है, छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, टाप करना है। अगला है दसवां, नहीं है किसी एक सूक्त की संदर्भ सहित व्याख्या, मैंने इसको लिखा है दसवें में सूक्त आया है खावाला, गुणवते कन्याकाम प्रतिपादिनीय 160 पृष्ठ पर है, ये दिखाई दे रहा है गुणवते कन्याका प्रतिपादिनीय, पूरा संदर्भ अर्थ पूरा सब इसमें दिया गया, देख रहे हैं ना, ऐसे छाप देना है, छोड़ना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है एक कोर्ट का, पूरे भारतवर्ष के हिंदी मीडियम बच्चों के लिए संस्कृत का पेपर और यह चैनल दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए। ग्यारहवां में है अभिज्ञान शाकुंतलम के संदर्भ में तत्रावि चतुर्थों अंकों की समीक्षा कीजिए, देख रहे हैं ना, चतुर्थ अंक की समीक्षा करना है, 136 पृष्ठ पर है, देख रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थों अंक का पूरा इसमें आया समीक्षा करने के लिए, तो ये चतुर्थों पाठ का पाठ सारांश यही करना है आपको, पूरा का पूरा इसे छाप देना है, देख रहे हैं ना, इसमें अर्थो ही कन्या पर की हो तामाद्य संप्रेम पे परगृहिता जातो ममायम विशदा प्रकामम प्रत्यनित उपन्यास इवांत अरात्मा, देख रहे हैं पूरा का पूरा छाप देना है, पूरा नंबर आपको मिलेगा, आप पूरा जुड़ जाइए, अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने इष्ट मित्र को बताइए पूरे भारत में, समझ रहे हैं, जहाँ जहाँ कहीं पर हो। शकुंतलाम का शापम उदंती, मतलब दिए गए विकल्पों में सही विकल्प छाट कर लिखना है, शकुंतला को किसने श्राप दिया था, दुर्वासा ऋषि ने, शकुंतलाया पितु नाम काड़वा, देख रहे हैं ना, नहीं मैं किसी एक विषय पर संस्कृत में पत्र लिखिए, क्या शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखा, 171 पृष्ठ पर है, देख रहे हैं शुल्क मुक्ति के लिए आया है, जो यही लिखना है आपको, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज, आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे और जिले का नाम लिखेंगे, इतना बदल देंगे यहाँ पर। श्रीमान सविनय निवेदनम अस्तु, पूरा इसे लिखते चले आएंगे, तारीख यहाँ बदल देंगे, जिस दिन आपका तारीख विद्यालय में आपका परीक्षा रहेगा उस दिन लिखेंगे, हैं, और यहाँ भवतीय सब पे राकेश कुमारा बदल देंगे, अपना नाम लिखेंगे, एकादश कक्षायाम
का छाया, ये भी सही रहेगा। अगर आपके यहाँ सेक्शन चलता है जिस सेक्शन में उसको लिखेंगे, नहीं एकादश का छाया बहुत है, बस केवल इतना पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। छोड़ना नहीं है, टाप करना है, नकल नहीं मारना है। अगर यही पेपर आ गया है, अगर आ जाए तब, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल अपने ये हो गया अनुप्रास अथवा यमक। यमक अलंकार का वह है शब्द पुनः पुनः पढ़े, मतलब एक ही शब्द बार बार आए, अर्थ भिन्न भिन्न हो, वह यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, मादकता ते अधिकाय, ते नर खाए बौरात है, ते नर पाए बौराए। एक कनक, पहले कनक का अर्थ है धतूरा, जो खाने से लोग बौरा जाते हैं लोग, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। अगर आपको बहुत विपुल मात्रा में सोना मिल जाए तो आप पागल हो सकते हैं। ये दोनों अर्थ हो गया इसके। अगला है संस्कृत में अनुवाद करना है, वह लिखता है सह लिखा थी। क्या लिखेंगे? वह लिखता है सह लिखा थी। और उसके बाद आया है, देखिए हम लिख दे रहे हैं इसका चारों, आप ध्यान देंगे, वह लिखता है, वह लिखता है तो हो जाएगा सह लिखा थी। पहले लिख रहे हैं तो फिर बता, देख रहे हैं अनुवाद, पहले हिंदी में देख लीजिए क्या आया है, फिर इसको मैंने कर दिया है। पहला 15वां क्वेश्चन है, वह लिखता है, राम खेलता है, अध्यापक विद्यालय जाता है, वह सब घर जाते हैं, छात्र पाठ पढ़ता है, छात्र पाठ पढ़ता है। और कैब करना है, इसमें देख लीजिए चार वाक करना है, तो देख लीजिए मैंने कर दिया है सह लिखा दी, वह लिखता है, रामा क्रीडा दी, रामा क्रीडा दी, राम खेलता है, तेन गृहम गच्छन दी, वह सब घर जाते हैं, छात्रा पाठम पठ दिया है, पाठ पढ़ता है, तो पाठम शब्द और जोड़ देंगे ये बीच में, छात्रा पाठम पठती, छात्र पाठ पढ़ता है। अगला है अब 16वां क्वेश्चन देखिए, राम शब्द की तीनों विभक्ति में सातों विभक्ति में रूप आया है राम का, 222 पृष्ठ पर किताब में है, देख रहे हैं रूप, राम शब्द का रूप है अकारांत पुल्लिंग विभक्ति सातों विभक्त, एक वचन द्वि वचन बहुवचन, पढ़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा, पूरा इसे छाप देना है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा आया है भाई, बहुत जल्द जल्द अब खींचना, 11 मिनट का वीडियो हो चुका है, हो गया राम शब्द का, हो गया विद्या धन अर्थी विद्यार्थी हो जाएगा, विष्णुवे में विष्णु धन ए होगा, श्वेतांबरा में कौन सा समास है, बहुव्रीही समास है, बाड़ा हता का उचित समास होगा, बाड़ेन आहता पहला, नदी सुशब्द का इनमें से कोई नहीं है, धेनु नाम पद में धेनु शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप है, खष्टी बहुवचन का रूप है, पट धातु विधृंग लाकार का उत्तम पुरुष रूप होगा पठेयम, भू धातु लिट लाकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा भविष्यति, नेतुम पाठ में प्रयुक्त प्रकृत प्रत्यय निधन तुमुन, देख रहे हैं निधन तुमुन तुम हो जाएगा, पूरा मैंने जितना सही कर टिक कर दिया है, देख रहे हैं वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।